विगत कई महीनों से लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के सामने से गुजरती नेशनल हाईवे पर खतरनाक गड्ढे हो गए थे एवं यहां से आवाजाही दुर्घटनाओं को न्योता दे रही थी और प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं में आम जनता के हाथ पैर भी टूट रहे थे। ये खबर हमने अपने चैनल में प्रमुखता से दिखाते हुए शासन प्रशासन को एक बार पुनः जगाने का काम किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस सड़क का संधारण किया जा चुका है और यातायात सुचारू हो चला है, जिसके लिए ग्रैंड एशियन न्यूज का लोगों ने धन्यवाद किया है और हृदय से आभार भी जताया है और आगे इसी तरह जनहित में हमारे योगदान की अपेक्षा भी रखते हैं। नमस्कार भैया, ये जो पीछे देख रहे हैं आप बहुत सारा खराब था बहुत पहले, ये फिर भैया लोग आए कहते हैं सीएन न्यूज वाले, तो इनके हिसाब से बना है। अभी देखो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और जो धूल धक्कड़ उड़ता था वो भी कम हो गया है। और एक्सीडेंट जो मेन मुद्दा था एक्सीडेंट का, इधर से उधर का नहीं दिखता था, इधर से उधर, और गड्ढे में क्या बहुत गाड़ी भी फंस जाती थी। रात भी कोई आए तो एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं। हम लोग कई बार लेके अंदर एडमिट कराते थे, दौड़ भाग दिन भर करते थे, मगर ये भैया लोग जब आए हम लोग बताए, प्रेस वाले भैया ये एशियन वाले, इन लोग आगे बढ़ाए बात को और प्रमुखता से प्रकाशित किए खबर को, तो इसलिए आज ये जो बना है इन भैया लोग की बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं हम लोग। हम लोग अभी थोड़ा अच्छा लगता है, आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और देख लो आपके सामने ही है। और ये गड्ढा इतना था कि रोज़ एक दो जन अंदर गिरते थे, हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते थे उन लोगों और इलाज करवाते थे, फिर दौड़ भाग मतलब लगे ही रहता था। और मरे भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका बनाया हुआ उनको कोई फिक्र नहीं थी। भैया लोग आए, हम लोग एक दो बार बताए दिखाए भी कि देख लो भैया कितना गहरा गड्ढा है, कभी झंडा गाड़ दे रहे थे, कभी बोल्डर साइड साइड में रख दे रहे थे, तो मतलब वो भी चल नहीं पा रहा था। भैया लोग आए, बहुत जल्दी काम हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग का जो कि आप लोग ऐसा किए। और भी कोई प्रॉब्लम होगी भैया हम लोग अब आप ही को बताएंगे, और भी कोई न्यूज़ चैनल वाले आते हैं मगर इस टाइप से नहीं होता उनका काम, और जैसे भैया लोग करें हम लोग एक बार बताएं, और जो अभी हो गया है ये काम उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को भी रिलीफ है थोड़ा सा।